Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज मैं चीज़ एंड वेजिटेबल पराठा बना रही हूँ. अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. पराठा की डो तैयार कर लेनी है. 2 कप मैदा में नमक डाल देना है, 1 टेबल स्पून शुगर डाल देना है और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है और मिक्स कर देना है अच्छी तरह. मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से इसे गूंद लेना है. थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है. डो को गूंदने के बाद हाथ में ऑयल लगाकर इस डो पर लगा देना है और इसे 15 मिनट के लिए रख देना है. 15 मिनट के बाद इसे दोबारा गूंद लेना है. 15 मिनट रखने के बाद अब इसे दोबारा गूंद लेना है. हाथ पर हल्का सा ऑयल लगा देना है और इसे इस तरह गूंद लेना है. इस तरह पराठा की डो बहुत ही अच्छी तैयार होती है और बहुत ही स्मूथ. ये देखें, बहुत ही स्मूथ तैयार हो चुकी है. अब बाउल को हल्का सा ऑयल लगा देना है और इस डो को भी लगाकर चीज़ पराठा की स्टफिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मटर ले लेने हैं 1/2 कप और उन्हें अच्छी तरह चॉप कर लेना है. 1 गाजर ले लेनी है और उसे क्रश कर लेना है. हरा धनिया कटा हुआ 1/2 कप, मोज़रेला चीज़ 150 ग्राम, कैप्सिकम ले लेना है 1/2 और उसे भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है. नमक हसबे जायका, कुटी काली मिर्च 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हरी मिर्च 1 अदद. अब एक अलग बाउल में मोज़रेला चीज़, ग्रीन कैप्सिकम, कैरेट, मटर, हरा धनिया, नमक, कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च. अब इसे मिक्स कर लेना है. इसके अलावा आप बंद गोभी, फूल गोभी और दूसरी वेजिटेबल भी आप डाल सकते हैं इसमें. अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पराठों को बेल लेना है. डो को रखे हुए भी 30 मिनट्स गुजर चुके हैं. अब इसके पेड़े बना लेने हैं. और इसी तरह बाकी के भी पेड़े बना लेने हैं. पेड़े बना लेने के बाद अब काउंटर पर इसे बेल लेना है. रोटी को बेल लेने के बाद अब इस पर घी, तेल या मक्खन, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं तीनों में से, इस तरह फैला देना है. फैलाने के बाद इसके ऊपर इस तरह मैदा डाल देना है और इसे इस तरह फोल्ड कर देना है ऐसे. ये पराठा मैं पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ. इसे इस तरह करके दरमियान से कट लगा देना है. कट लगाने के बाद अब इसे इस तरह बिल्कुल इस तरह ट्विस्ट करते जाना है. इसे बिल्कुल इस तरह गोल गोल इस तरह घुमाते जाना है ताकि इसमें अच्छे खासे बल आ जाए. ये देखिए, ये
इस तरह उंगली की मदद से इसको घुमाते जाना है और इस तरह। इसमें जितने ज़्यादा बल होंगे उतना ही पराठा क्रिस्पी तैयार होगा। अब इसको दोबारा बेल लें। सारे पेड़ों को पराठों के लिए तैयार कर लिए, अब इसे दोबारा बेल लेना है करने के लिए। अब इसी तरह दूसरा बेल लेना है। अब इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार की थी 2 टेबलस्पून तक डाल दें। इसको इस तरह फैला देना है। हाथ को हल्का सा पानी लगाकर इसके किनारों पे लगा देना है इस तरह। पानी लगाने के बाद किनारों पर अब इसके ऊपर दूसरा जो हमने तैयार किया था वो डाल देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होता है। इसके किनारों को आपस में जोड़ देना है इस तरह करके, ताकि इसमें जो हमने मोजरीला चीज़ भी डाली थी वो बिल्कुल बाहर नहीं निकले इस तरह। अब हल्के हाथों से इस तरह दबा देना है इसे, हल्के हाथों से दबाकर, और इसे इस तरह बहुत आराम से बेलना है पराठे को इस तरह। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें इस तरह घी या ऑयल आपने डाल देना है। इसको इस तरह अब गर्म होने पर इसमें पराठा डाल देना है इस तरह। अब इसकी एक साइड पकने पर फिर इसकी साइड चेंज करनी है। फ्लेम को आहिस्ता रखना है, बहुत तेज नहीं रखना। अब इसकी साइड चेंज कर देनी है इस तरह। अब दूसरी साइड को भी पकने देना है, फिर इस पे घी लगाकर इसकी साइड पलटनी है। अब इस पर घी लगा देना है। घी या ऑयल आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब इसकी साइड पलट देनी है इस तरह, और इसको टिश्यू से इस तरह हल्के हल्का इस तरह दबाते जाना है किनारों से। और इसी तरह इसके ऊपर से भी तेल लगा देना है। अब इसकी भी साइड इस तरह चेंज करके इसको भी इस तरह टिश्यू से गोल गोल घुमाते रहना, ताकि चारों तरफ से ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। पराठा तैयार हो चुका है, अब इसे निकाल लेना है और इसी तरह बाकी के भी पराठे तैयार कर लेने हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार हो चुके हैं। इसमें आपको काट के दिखा लेती हूँ। इसकी स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, ये देखिए बहुत ही अच्छे पराठे तैयार हुए हैं। इसी तरह बाकी के भी काट लेने हैं। बहुत ही डिलीशियस चीज़ और वेजिटेबल पराठा तैयार है। आप इसे दही के साथ, केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ खाएं, आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप उन्हें सुबह तैयार करके लंच बॉक्स में डाल दें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इस पराठे को। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।